हे गाइस, वेलकम टू रिसोर्स पॉइंट। माय सेल्फ ऋषिका, और आज हम लोग स्टडी करने वाले हैं इन्वायरमेंट की लेसन। तो बीच में थोड़ी सी इंटरप्ट हो गई थी, लेकिन अब हम लोग फिर से स्टार्ट कर दी है इन्वायरमेंट की लेसन सनकर राइस अकेडमी। और अब ये आपकी डेली बेसिस पे आएगी और इसे मैं कंप्लीट करके ही अब सांस लूँगी। ओके, तो अब मैं इसे जल्दी से कंप्लीट करा दूँगी क्योंकि अब हमारी टाइम बहुत कम है, और जब तक ये विज़न आइस की मैगजीन नहीं आती है तब तक मैं इस पर ज़्यादा फोकस करूँगी। ओके, साथ में आपकी इवनिंग में इकोनॉमिक सर्वे की लेसन आती है, वॉल्यूम 1 अभी हम लोग देख रहे हैं, तो उस लेसन को भी आप लोग ज़रूर देख सकते हैं। मैं अलग से प्लेलिस्ट बना दी हूँ, तो एक ही काम करना है आपको, बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करनी है और प्लेलिस्ट में आकर आप लोग जो भी लेसन देखना चाहते हो आप लोग को सब मिल सकती है। ओके, तो हमारी यहाँ पर पार्ट 5th चल रही थी। मैं आप लोग को यहाँ पे कंटेंट भी दिखाते चलती हूँ। पार्ट 2nd हमारी कंप्लीट हो चुकी है। जो भी नए बच्चे आते हैं वो काफ़ी कंफ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। पार्ट 3rd भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो पार्ट 4th भी मैंने कंप्लीट कर रखा है। पार्ट 5th हमारी स्टार्ट हो चुकी थी, इसमें हम लोग कुछ लेसन पढ़ चुके थे। फर्स्ट हमारी एक्ट्स एंड पॉलिसी कंप्लीट हो गई है। इंस्टीट्यूशन एंड मेजर्स जो है हम लोग यहाँ पे देख चुके थे। इन्वायरमेंटल ऑर्गेनाइजेशन भी हमारी कंप्लीट हो गई है। आज हम लोग देखेंगे इंटरनेशनल इन्वायरमेंट कन्वेंशन, यानी कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक आज के डेट में होने वाली है। मैं यहाँ पे आपके साथ जो है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, साथ ही यहाँ पे CBD जो है, साथ ही साथ और भी जो इंटरनेशनल है, जैसे आप रामसार कन्वेंशन देख सकते हो, साइट्स हैं, इन सब के बारे में हम मैं यहाँ पर आज आप लोग को बताने वाली हूँ। और आप लोग इन सब से क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं, तो अब इससे आप लोग जो है कंफ्यूज नहीं हो पाइएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हमारे इन्वायरमेंट इश्यूज़ और जो हेल्थ इफेक्ट है वो है, तो इसमें भी हमारी जो यहाँ पे 5th पार्ट है वो कंप्लीट हो जाएगी। तो फिर हम लोग यहाँ पे 1st पार्ट पे चलेंगे। तो फिलहाल अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं इंटरनेशनल इन्वायरमेंटल कन्वेंशन के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 28, और ये है हमारे इंटरनेशनल कन्वेंशन के ऊपर। तो सबसे पहले जो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कि मेजर जो इन्वायरमेंट इंटरनेशनल कन्वेंशन है उसके बारे में आप लोग देख लीजिए कि क्या क्या है। नेचर को कंजर्व करने के लिए हमारे यहाँ कौन कौन सी कन्वेंशन बनाई गई है। कन्वेंशन कहने का मतलब एक तरीके से ऑर्गेनाइजेशन होता है जो कि हमारे नेचर को, इन्वायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए इसको बनाया जाता है। और इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन और कन्वेंशन में जो है ऑल ओवर द वर्ल्ड से जिस भी कंट्री में इस तरीके का प्रॉब्लम देखने को मिल रही है वो सारी कंट्री इस तरीके के ऑर्गेनाइजेशन या फिर कन्वेंशन के मेम्बर होते हैं। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट है। फिर हमारे यहाँ CBD है, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को यहाँ पे कंजर्व करने के लिए। रामसर कन्वेंशन है, जो कि आप लोगों को पता है कि रामसर एक ईरान में सिटी है जिसके नाम पर ये कन्वेंशन आई थी, जो कि वेटलैंड को कंजर्व करने के लिए ये रखा गया था। फिर हमारे यहाँ साइट्स है, जो कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी कि फ्लावर और जो हमारे एनिमल्स है उसमें जो भी इंडेंजर्ड स्पीसीज है, ऐसी स्पीसीज जिनकी की प्रजाति विलुप्त होने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पर साइट्स आई है। उसके बाद ट्रैफिक है, यानी कि वाइल्ड लाइफ ट्रेड जो मॉनिटरिंग नेटवर्क है इसके लिए। फिर CMS है, यानी कि कन्वेंशन ऑन, यानी कि माइग्रेटरी बर्ड्स स्पीसीज है, यानी कि काफ़ी माइग्रेटरी बर्ड्स है। आप लोग देखोगे कि सीज़न के तौर पर जो है कुछ बर्ड्स जो है अब एक कंट्री से उड़ते हुए दूसरे कंट्री में आ जाती है, तो जिसको हम लोग माइग्रेटरी स्पीसीज कहते हैं, तो इनको भी कंजर्व करने के लिए यहाँ पे आपकी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है। फिर हमारे यहाँ जो वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग होती है, गलत तरीके से जितने भी जानवर होते हैं उनको, उनका ट्रैफिक किया जाता है, तस्करी किया जाता है, उनके खाल को बेचा जाता है, उनके मांसों को बेचा जाता है, तो इसको यहाँ पर रोका जा रहा है। इंटरनेशनल ट्रॉपिकल टिम्बर ऑर्गेनाइजेशन है, यानी कि ट्रॉपिकल टिम्बर काफ़ी डिमांडेड होते हैं, ट्रॉपिकल टिम्बर का काफ़ी यूनिवर्सल उसका यूज़ होता है, तो उसको यहाँ पे रोकने के लिए इस तरीके से ITTC बनाई गई है। यूनाइटेड नेशन फोरम ऑन फॉरेस्ट है, यानी कि जंगलों को यहाँ पे प्रिजर्व करने के लिए इस तरीके से हमारे यहाँ एक फोरम बनाया गया है यूनाइटेड नेशन की। फिर इंटरनेशनल यूनियन है जिसके थ्रू हम लोग नेचर और नेचुरल रिसोर्सेज को यहाँ पर कंजर्व कर सकते हैं, जो कि हमारे यहाँ IUCN की है। फिर ग्लोबल टाइगर फोरम है, जिसको कि हम लोग कह सकते हैं कि टाइगर को कंजर्व करने के लिए यहाँ पर लाया गया था। हैज़ार्डियस मटेरियल में अगर आप लोग देखोगे तो यहाँ पे स्टॉकहोम कन्वेंशन है, यानी कि जितने भी टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं जिसका आप लोग इंपोर्ट एक्सपोर्ट देख सकते हो, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में जाती है, या फिर किसी कंट्री में इसकी प्रोडक्शंस को रोकना है, रिसाइकिल करना है, तो वो सारी चीज़ों के लिए यहाँ पर आपका स्टॉकहोम कन्वेंशन है, बेसल कन्वेंशन है और रॉटरडम कन्वेंशन है। लैंड की अगर हम लोग बात करें, जैसे कि आप लोग देखते हो कि काफ़ी ऐसे ज़मीन है जो कि बंजर हो चुके हैं, वहाँ पे आपकी डेजर्टिफिकेशन बहुत ज़्यादा हो चुकी है, आपकी मरुस्थलीकरण वहाँ पे हो रही है, तो उन सारी चीज़ों को बचाने के लिए हमारे यहाँ नेशनल कन्वेंशन यूनाइटेड नेशन के यहाँ पे है, कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन। मैराइन इन्वायरमेंट के लिए अगर हम लोग देखें तो इंटरनेशनल वेलिंग कन्वेंशन है, यानी कि ये एक कमीशन है
वेलिंग कमीशन है, यानी कि वेल मछली को यहाँ पे कंजर्व करने के लिए। एटमॉस्फेयर की बात करें, जैसे कि हमारे यहाँ जो है ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे बहुत तरीके की कन्वेंशन है, जो कि एक वीना कन्वेंशन है और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। तो इस तरीके से अगर आप लोग यहाँ पे पार्ट बाई पार्ट इसको डिवाइड करके अगर याद रखोगे तो कन्फ्यूजन कभी नहीं होगा कि क्यों क्यों और किस चीज़ के लिए यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ पे बनाया गया है। ओके, उसके बाद यूनाइटेड नेशन FCCC है, जो कि यहाँ पे हमारे क्लाइमेट चेंज से टैकल करने के लिए लाया गया है, और क्योटो प्रोटोकॉल है। तो हर एक चीज़ के बारे में हम लोग अब यहाँ पर डिटेल में देखने वाले। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं UNCED के बारे में, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट के बारे में। जैसे हम लोग जानते हैं कि रियो समिट है, रियो कॉन्फ्रेंस है और अर्थ समिट है, ये तीनों एक ही चीज़ है जो कि हमारे रियो डी जेनेरियो में हुई थी 1992 में। तो इसमें बहुत सारे इश्यूज़ को एड्रेस किया गया था। इसमें बताया गया था कि बहुत सारे जो प्रोडक्शन है उनके पैटर्न हो गए हैं, काफ़ी पर्टिकुलरली आप देखोगे कि टॉक्सिक कंपोनेंट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहे हैं, यानी कि गैसोलीन हो गई, पॉइजनस यहाँ पे वेस्ट है, जैसे कि रेडियो केमिकल एक्टिविटी है, रेडियो एक्टिव केमिकल्स है मैं यहाँ पे उल्टा ही बोलती, रेडियो एक्टिव केमिकल्स है। तो ये सारी चीज़ों की जो प्रोडक्शन है बहुत ज़्यादा होते जा रही है। कुछ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी भी है, जो कि आज के डेट में हमारे फॉसिल फ्यूल्स है उसको यूज़ करने के लिए रिप्लेस किया जा रहा है। फॉसिल फ्यूल्स आप लोग को पता है कि इससे हमारे क्लाइमेट चेंज बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, तो इसलिए इसको रिप्लेस करने के लिए हमारे यहाँ अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एनर्जी लाने की कोशिश की गई है। साथ ही जो हमारी ग्रोइंग स्कार्सिटी है वाटर की, यानी कि जो पानी की कमी है, वो हम लोग हर एक जगह यहाँ पर फील कर रहे हैं। अर्थ समिट में जो है इस तरीके की कुछ डॉक्यूमेंट निकल कर आई, क्योंकि अर्थ समिट जो है 1992 में हुई, तब से हमारे इन्वायरमेंट में बहुत सारे चेंजेस देखने को मिले, बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिले। तो उसके लिए यहाँ पे कुछ मॉडिफिकेशंस के लिए कुछ यहाँ पे आपकी डॉक्यूमेंट आई है। तो ये आपको याद रखना है कि तीन डॉक्यूमेंट है जो कि अर्थ समिट से निकल कर आई है। ये है रियो डिक्लेरेशंस, जो कि अर्थ और डेवलपमेंट, इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड है एजेंडा 21, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। थर्ड है फॉरेस्ट प्रिंसिपल। तो यहाँ पे आप लोग देखोगे कि दो इंपॉर्टेंट लीगली बाइंडिंग एग्रीमेंट भी थी। लीगली बाइंडिंग कहने का मतलब है कि ऐसी एग्रीमेंट जिसमें कि जितने भी मेंबर कंट्रीज़ होते हैं तो उनको उनके सारे रूल्स एंड गाइडलाइंस को मानना होता है। जैसे यहाँ पे हमारे यहाँ CBMI कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी है, उसके बाद यहाँ पे आपका यूनाइटेड नेशन FCCC है। ये दोनों ऐसी कन्वेंशन है जिसमें कि आपके जितने भी यहाँ पे मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको इन दोनों की यहाँ पे रूल्स एंड रेगुलेशंस को अपने कंट्री में इंप्लीमेंट करना बाध्य है, लीगली बाइंडिंग है। ओके, रियो अगर हम लोग कन्वेंशन डिक्लेरेशन की बात करें, जो कि इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट में, वो यहाँ पे आपका रियो डिक्लेरेशन जैसा जाना जाता है, एक शॉर्ट डॉक्यूमेंट है जो कि आप लोग को यहाँ पे कहा गया है कि कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। ओके, तो आप लोग को फंडा याद रखना है। वहीं अगर हम लोग यहाँ पे एजेंडा 21 की बात करें, तो एजेंडा 21 एक तरीके का एक्शन प्लान था यूनाइटेड नेशंस का, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर फोकस करती है। यानी कि इस तरीके से हम लोग को डेवलप करना है कि हमारे इन्वायरमेंट तो बेटर तरीके से, मीन्स हमारी इन्वायरमेंट वैसे ही रहे, साथ ही साथ हमारे जो रिसोर्सेज है उनका ज़्यादा आपका एक्स्ट्रा यूज़ ना हो, यानी कि एक्सप्लॉयटेशन ना हो, उस तरीके से हमारे यहाँ एक सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना है। और जो आउटकम है हमारे यहाँ यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट का, वो यहाँ पे आपका निकल कर आया रियो डी जेनेरियो, जो कि ब्राज़ील की एक सिटी है 1992 में। ये एक तरीके का कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट है जिसमें कि कुछ एक्शन लिया गया है ग्लोबली, नेशनली और लोकली, और यहाँ पे सारे गवर्नमेंट है और मेजर ग्रुप्स है जो कि इस एरिया में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ह्यूमन डायरेक्टली जो कि हमारे इन्वायरमेंट को अफेक्ट करती है, तो उससे बचने के लिए यहाँ पे एक आपका एक्शन लिया जा रहा है। तो ये एक कॉम्प्रिहेंसिव ब्लूप्रिंट है, ओके, वो भी ग्लोबली, नेशनली और लोकली लेने का। यहाँ पे 21 रेफर्स किया जा रहा है कि 21st सेंचुरी की जो यहाँ पे एजेंडा है, इसलिए यहाँ पे एजेंडा 21 लिखी गई है। लोकल एजेंडा 21 भी है, यानी कि जो एजेंडा 21 की इम्प्लीमेंटेशन है वो यहाँ पे इन्वॉल्व है कि किस तरीके से इंटरनेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल पर, रीजनल लेवल पर और लोकल लेवल पर हम लोग को जो है इस तरीके की लोकल एजेंडा 21 को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करनी है। एजेंडा 21 तो सबको सबकी मीन्स ग्लोबली है, लेकिन लोकल एजेंडा जो है हर एक कंट्री में रीजनल लेवल पर है, आपकी लोकल लेवल पर है, नेशनल लेवल पर है, इस तरीके से आपका जो है यहाँ पर डिवाइड किया गया है। साथ ही यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो एजेंडा 21 जो है वो कल्चर के लिए भी है। अगर हम लोग फर्स्ट वर्ल्ड पब्लिक मीटिंग देखें, जो कि कल्चर में थी, जो कि यहाँ पे पोर्टो एलग्री में हुई थी ब्राज़ील के 2022 में, तो यहाँ पे एक आइडिया आया था कि किस तरीके से हम लोग कुछ डॉक्यूमेंट गाइडलाइन लाए कि लोकल कल्चर पॉलिसीज़ के लिए, और यहाँ पे जो हर एक कंट्री को अपने कल्चर को प्रोटेक्ट करने के लिए इस तरीके का फर्स्ट डॉक्यूमेंट लाया गया था। तो 21 जो एजेंडा है ये हमारे कल्चर के ऊपर जो है फर्स्ट डॉक्यूमेंट है, ये भी आपको याद रखना है। रियो प्लस 5 है। 1997 में क्या थी कि जनरल असेंबली जो यूनाइटेड नेशन की थी वो एक स्पेशल सेशन यहाँ पे लेकर आई थी 5 ईयर्स के लिए, यानी कि जो एजेंडा 21 है उसको 5 ईयर्स में यहाँ पे अच्छे तरीके से प्रोग्रेस लेकर आना है, तो उसके लिए यहाँ पे रियो प्लस 5 थी। ओके, फिर एक कहीं कहीं आपसे पूछ लिया जाता है कि जोहान्स
तो अब यहाँ पे देखते हैं कि जोहान्सबर्ग समिट क्या है। कभी कभी ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। तो जोहान्सबर्ग प्लान ऑफ इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि ये भी हमारे जो अर्थ समिट 2002 की थी उसी में इस तरीके का आपका प्लान लाया गया था कि इम्प्लीमेंटेशंस के लिए। और ये अफर्म की गई है कि यहाँ पे यूनाइटेड नेशन कमिटमेंट है कि फुल इम्प्लीमेंटेशन करना है, कि जो एजेंडा 21 के अंदर जितनी भी यहाँ पर रूल्स एंड गाइडलाइंस रखी है उसके फुल इम्प्लीमेंटेशन के लिए यहाँ पर आपका जो है जोहान्सबर्ग में इस तरीके का आपकी बात रखी गई थी। तो एजेंडा 21 के साइड बाई साइड यहाँ पर मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स को भी यहाँ पे अचीव करनी है। जैसे अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है ना, जहाँ पे आपको 17 टोटल यहाँ पे आपकी गोल्स देखने को मिलती है, जिसका यहाँ पे टारगेट है कि 2015 से 2030 तक इसको कंप्लीट करना है। तो वही इससे पहले जो 2000 से लेकर 2015 तक जो थी उसको हम लोग मिलेनियम डेवलपमेंट गोल कहते हैं। तो उस समय जो थी वो यहाँ पे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल पे फोकस किया जा रहा था। फिर 2015 के बाद से हमारे यहाँ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल के ऊपर यहाँ पे फोकस किया गया। तो ये है जोहान्सबर्ग। उसके बाद रियो+20 है। तो ये एक शॉर्ट नेम है जो कि यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन सस्टेनेबल डेवलपमेंट को दिया गया, जो कि ब्राज़ील के रियो डी जेनेरियो में हुई थी जून 2012 में। ओके, तो ये भी आपको याद रखना है कि रियो+20 कॉन्फ्रेंस है, वर्ल्ड लीडर है यहाँ पे, साथ ही साथ थाउजेंड ऑफ पार्टिसिपेंट है प्राइवेट सेक्टर के, एनजीओ के, अदर ग्रुप्स के, जो कि एक साथ यहाँ पे आए थे और एक साथ वो लोग यहाँ पे बात किए थे। काफ़ी इश्यूज थी कि किस तरीके से हम लोग को पॉवर्टी को कम करना है, सोशल इक्विटी लेकर आना है, इंश्योर करना ही है हमारे इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को। तो ये सारी चीज़ों के ऊपर यहाँ पर डिस्कशन हुई थी। साथ ही यहाँ पे और भी ऑफिशियल डिस्कशन हुई थी कि किस तरीके से हम लोग को ग्रीन इकोनॉमी को बनाना है, जिसके थ्रू हम लोग सस्टेनेबल डेवलपमेंट अचीव कर पाए और लोगों को यहाँ पे पॉवर्टी से बाहर निकल पाए। साथ ही हम लोग को यहाँ पे इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन को भी इम्प्रूव करना है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए। रियो+20 में क्या थी कि मोर देन यहाँ पे 513 बिलियन डॉलर जो है वो यहाँ पर प्लेस किया गया था कि किस तरीके से सस्टेनेबल फ्यूचर को बनानी है। ओके, तो ये पूरी तरीके से हमारी जो बात रही ये आपको याद रखना है कि ये जो हमारी बात रही है ये है कन्वेंशन, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट पे। अब हम लोग सेकंड तरीके के कॉन्फ्रेंस में, कन्वेंशन में आते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये है हमारी बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर जो कि है CBD, और ये है लीगली बाइंडिंग। ये सबसे पहले आपको याद रखना है कि CBD लीगली बाइंडिंग है, ये डायरेक्टली स्टेटमेंट में पूछ लिया जाता है। प्रीवियस ईयर UPSC के प्रीलिम्स क्वेश्चंस आप देखोगे तो उसमें ऑलरेडी पूछा गया है। तो लीगली बाइंडिंग का कहने का मतलब है कि जितने भी इसके मेंबर कंट्रीज़ हैं उनको यहाँ पे CBD की जो भी रूल्स रेगुलेशन है उसको यहाँ पर फॉलो करना ही है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा है जो कि हमारे बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए एक कॉमन कंसर्न यहाँ पर लेकर आया गया और इंटीग्रल पार्ट है हमारे डेवलपमेंट प्रोसेस का। ये इस एग्रीमेंट में आपको देखने को मिलेगा कि हर कुछ यहाँ पे कवर किया गया है, इकोसिस्टम को, स्पेसिस को और जेनेटिक रिसोर्सेज को। इस कन्वेंशन का यहाँ पे जो अगर हम लोग ऑब्जेक्टिव देखें तो यही है कि हमारे कंट्री में जितनी भी रिसोर्सेज और जितनी भी कंपोनेंट है उसको इस सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। ऐसा यूज़ करना है कि हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी नुकसान ना हो और हमारे आगे आने वाले जनरेशन को भी सारी नेचुरल रिसोर्सेज उनको मिल सके। एक फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होनी चाहिए बेनिफिट की, यानी कि इस तरीके से हम लोग को यहाँ पर यूज़ करना है कि इन्वायरमेंट को भी फ़ायदा हो और हमें भी फ़ायदा हो। साथ ही जितनी भी जेनेटिक रिसोर्सेज है उनका यूटिलाइजेशन करना है, जैसे कि जेनेटिक रिसोर्सेज की यहाँ पे अप्रोप्रिएट एक्सेस होनी चाहिए, अप्रोप्रिएट ट्रांसफ़र होनी चाहिए जितनी भी टेक्नोलॉजीज़ हैं। साथ ही यहाँ पे एक राइट डायरेक्शंस लेना है कि हम लोग किस तरीके से रिसोर्सेज को, टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करें। यहाँ पे तीन मेन गोल है इस कन्वेंशन के अंदर। सबसे पहला है कि बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है, दूसरा है कि बायोडाइवर्सिटी के जितने भी कंपोनेंट है उसको सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना है, थर्ड है कि यहाँ पे जो भी बेनिफिट होगा उसको शेयर करना है, यानी कि इन्वायरमेंट और ह्यूमन बींग्स के बीच में जो भी बेनिफिट है उसको यहाँ पे शेयर करना है कमर्शियल तरीके से भी, और यहाँ पे यूटिलाइज़ करना है जो भी हमारे यहाँ जेनेटिक रिसोर्सेज है। इसके आगे देखते हैं, यहाँ पे डू यू नो फैक्ट्स बताया जा रहा है कि जो करंट पॉपुलेशन है ग्रेटर एडजुटेंट स्टॉक की वो सिर्फ यहाँ पे 1200 है, जो कि 80% हमारे SM में ही पाया जाता है। तो बर्ड्स की जो हैबिटाट है वो यहाँ पे ह्यूमन डेवलपमेंट से भी काफ़ी इंपैक्ट हो रहे हैं। जैसे जैसे हम लोग डेवलप होते जा रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रही है, हमारे लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड डेवलप हो रहा है, उससे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा नेगेटिवली इम्पैक्ट जिस पर पड़ा है वो हमारे इस अदर स्पीसीज़ है और हमारी इन्वायरमेंट है। उसके बाद आता है कार्टिजीना प्रोटोकॉल जो कि बायो सेफ्टी के ऊपर है, और ये थी हमारी CBD पे ही। तो बायो सेफ्टी से मतलब है कि हम लोग को यहाँ पे ह्यूमन हेल्थ को भी प्रोटेक्ट करना है, इन्वायरमेंट को भी यहाँ पे प्रोटेक्ट करना है। कोई भी पॉसिबल अगर एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलता है, यानी कि किसी भी तरीके का अगर हम लोग बायोटेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं उससे अगर हमारे बॉडी में कोई भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट है या फिर हमारे इन्वायरमेंट को कोई भी तरीके का नेगेटिव इम्पैक्ट है तो उससे हमें बचाना है। दिस इज़ कॉल्ड बायो सेफ्टी।
कन्वेंशन में यहाँ पे देखें तो यहाँ पे ट्विन एस्पेक्ट रखा गया है। सबसे पहला है कि टेक्नोलॉजी को हम लोग को एक्सेस भी करना है और ट्रांसफ़र भी करनी है। सेकंड है कि एक अप्रोप्रिएट प्रोसीजर होनी चाहिए कि किस तरीके से हम लोग बायो टेक्नोलॉजीज़ को यहाँ पे सेफ्टी तरीके से इन्हेंस कर सकें। अगर कार्टेजिना यहाँ पे प्रोटोकॉल की ऑब्जेक्टिव की बात करें तो यहाँ पे है कि एडिक्वेट लेवल में प्रोटेक्शन होना चाहिए। कार्टेजिना यहाँ पे अगर प्रोटोकॉल की बात करें तो यहाँ पे सिर्फ आपको याद रखना है कि बायो सेफ्टी से रिलेटेड है, यानी कि यहाँ पे सेफ्टी के बारे में बात की जा रही है, ह्यूमन हेल्थ और साथ ही साथ हमारे इन्वायरमेंट की भी। तो यहाँ पर हमारे जो प्रोटेक्शन है वो यहाँ पे है कि किस तरीके से हम लोग लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स को यूज़ करें। साथ ही यहाँ पे आप लोग देखोगे कि बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल करना है। कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो बायो सेफ्टी के ऊपर है, ये एक एडिशनल एग्रीमेंट है जो कि CBD के अंदर हुई है, तो ये भी आपको याद रखना है। डायरेक्टली आपसे पूछा जा सकता है कि किसके अंदर ये हुई थी, कौन सी कन्वेंशन के अंदर, तो ये आपको याद रखना है कि कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो प्रोटोकॉल है यहाँ पे कुछ प्रोसीजर रखा गया है कि कैसे हम लोग जो LMO है उसको यहाँ पे हम लोग इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट करें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में। तो ये LMO होता क्या है? LMO का फुल फॉर्म होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, यानी कि इस प्रोटोकॉल में यहाँ पे जो भी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होता है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स उसको यहाँ पे एक कंट्री से दूसरे कंट्री में रेगुलेट किया जाता है। ये जो प्रोटोकॉल है इसमें कुछ पार्टीज़ की ज़रूरत भी होती है कि वो LMO को यहाँ पे इंश्योर करें और शिफ्ट करें एक कंट्री से दूसरे कंट्री में, जिसको कि अच्छे तरीके से सेफ मैनर में हैंडल किया जाए, पैकेज किया जाए और फिर ट्रांसपोर्ट किया जाए। तो ये है आपका कार्टेजिना प्रोटोकॉल जिसको आपको याद रखना है। अब यहाँ पे एडवांस इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट है तो इसके भी आपको कोई ज़रूरत नहीं है, ये आपको जानने का कोई ज़रूरत नहीं है। ओके मीन्स ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आपके इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि ये सारी प्रोटोकॉल इतनी ज़्यादा पुरानी है तो बस आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए, क्योंकि रिपीट होती रहती है इन्वायरमेंट की ये सारी चीज़ें, लेकिन इतने डेप्थ में जाने की ज़रूरत नहीं है आपको। LMO आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, तो फूड और फीड है और द प्रोसेसिंग है। ओके अब आते हैं नागोया कुआलालंपुर सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल। तो ये क्या है? कार्टेजिना प्रोटोकॉल जो है वो फिर से री इन्फोर्स किया गया था नागोया कुआलालंपुर में, और ये सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल है जो कि लियाबिलिटी और रिड्रेस के ऊपर है। सप्लीमेंट्री प्रोटोकॉल यहाँ पे स्पेसिफाई करती है कुछ मेजर्स जो कि यहाँ पे आपका बायोडाइवर्सिटी के डैमेज के लिया जाता है, यानी कि यहाँ पे आपका LMO से, यानी कि लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, इस तरीके के ऑर्गेनिजम्स यहाँ पे जो रह रहे हैं उससे क्या है कि बायोडाइवर्सिटी को कहीं ना कहीं डैमेज है, तो इस सप्लीमेंट्री में इन सारी चीज़ों को यहाँ पे अटेंशन दिया गया है। नागोया प्रोटोकॉल आप लोग सुने ही होंगे, तो नागोया प्रोटोकॉल जो है एक तरीके का जेनेटिक रिसोर्सेज के एक्सेस है और अच्छे तरीके से, यानी कि फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग यहाँ पे बेनिफिट का होना चाहिए जो भी उनके यूटिलाइजेशन से यहाँ पे अराइज होता है। तो इस कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी में इसको रखा गया है और एक सप्लीमेंट्री एग्रीमेंट है जो कि इस तरीके से CBD में रखी गई है। तो CBD में जो यहाँ पे नागोया प्रोटोकॉल है वो फेयर एंड इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट से है। साथ ही यहाँ पे आपको हर एक तरीके का प्रोटोकॉल का यहाँ पे आपको शॉर्ट मीनिंग पता होना चाहिए कि कौन सी प्रोटोकॉल किस चीज़ से रिलेटेड है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं ना कहीं इसी से बन जाती है। ओके इसका ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पे फेयर और इक्विटेबल शेयरिंग होना चाहिए, यानी कि कोई भी अगर बेनिफिट हो रही है, जैसे ह्यूमन बींग्स को इन्वायरमेंट से बेनिफिट होती है क्योंकि हमें बहुत सारी नेचुरल रिसोर्सेज मिलती है और खाने पीने के सारी पदार्थ हमें इन्वायरमेंट से ही मिलती है, इन्वायरमेंट को भी ह्यूमन बींग से बहुत ज़्यादा एक बेनिफिट मिलता है क्योंकि हम ही लोग हैं जो कि पानी देते हैं, उनका प्रॉपर केयर करते हैं। अगर हम लोग ह्यूमन बींग उनका केयर नहीं करें तो इन्वायरमेंट भी सस्टेन नहीं कर पाएगी। तो इसलिए जो भी बेनिफिट यहाँ पे दोनों के शेयरिंग से हो रहा है उसको यहाँ पे और अच्छे तरीके से प्रोटेक्ट करके रखना है, और ये चीज़ किया गया था नागोया प्रोटोकॉल के तहत। तो इस प्रोटोकॉल की यही बात है, साथ ही इसमें कुछ आपकी ऑब्लिगेशन भी रखी गई है। तो इस सारे ऑब्लिगेशंस को इतना डेप्थ में कभी नहीं पूछा जाता। बेनिफिट शेयरिंग ऑब्लिगेशंस भी है, कंप्लायंस शेयरिंग, यहाँ पे कंप्लायंस ऑब्लिगेशंस भी है। इतना डिटेल में आपको जानने का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि इसकी भी यहाँ पे आपकी एक न्यू वर्जन आ चुकी है। इंपॉर्टेंस की बात करें तो नागोया प्रोटोकॉल जो है एक ग्रेटर लीगल सर्टिनिटी यहाँ पे क्रिएट कर रही है, ट्रांसपेरेंसी लेकर आ रही है दोनों के लिए, जो प्रोवाइडर्स हैं उनके लिए और जो जेनेटिक रिसोर्सेज के यूज़र्स हैं उनके लिए। तो इससे क्या होगा कि अच्छा खासा एक मोर प्रेडिक्टेबल कंडीशंस यहाँ पे इस्टेब्लिश हो पाएगी जिसके थ्रू हम लोग जेनेटिक रिसोर्सेज को एक्सेस कर पाएंगे। यहाँ पे बेनिफिट शेयरिंग से हम लोग यहाँ पे हेल्पिंग ले पाएंगे हम लोग बेनिफिट शेयरिंग से, जब यहाँ पे जेनेटिक रिसोर्सेज जो हैं उनकी लेवल यहाँ पे अच्छी खासी हो जाएगी और एक जेनेटिक रिसोर्सेज को प्रोवाइड करने के लायक हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग जो है बेनिफिट शेयरिंग से इंश्योर करा पाएंगे, और नागोया प्रोटोकॉल जो है एक इंसेंटिव्स भी यहाँ पे क्रिएट करती है जिसके थ्रू जो है हम लोग जो जेनेटिक रिसोर्सेज हैं उनके वो अच्छे तरीके से हम लोग यूज़ कर पाएँ। जेनेटिक रिसोर्सेज मीन्स एक जनरेशन के बाद दूसरे जनरेशन में भी वो रिसोर्सेज जो आपकी ट्रांसफ़र होते रहती है उसको हम लोग जेनेटिक रिसोर्सेज कहते हैं। तो नागोया प्रोटोकॉल, कार्टेजिना प्रोटोकॉल, ये सारी चीज़ों के बारे में आपको ध्यान रखना है। अब यहाँ पे है बायोडाइवर्सिटी टारगेट, तो ये टारगेट आपके लिए कहीं से भी इंपॉर्टेंट नहीं है।
अब यहाँ पे आती है इकाई बायोडायवर्सिटी टारगेट, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। इकाई बायोडायवर्सिटी टारगेट है क्या, इसमें कुछ गोल्स होते हैं, तो स्ट्रैटेजिक गोल ए देखते हैं। इसमें क्या है कि जो भी कॉजेज है, यानी कि जो ऐसी कारण है जिसके कारण हमारी बायोडायवर्सिटी लॉस हो रही है, तो उसको हम लोग को मेन स्ट्रीम में लाना है, तो ये गोल ए में है। 2020 तक क्या करना है कि यहाँ पे पीपल्स जो भी यहाँ पे बायोडायवर्सिटी की वैल्यू से अवेयर हैं, उनको और भी अवेयर कराना है, कुछ स्टेप्स लेना है कि किस तरीके से हम लोग इसको बेटर तरीके से इस्तेमाल कर सकें। साथ ही बायोडायवर्सिटी की वैल्यू अगर हम लोग देखें तो ये हमारे नेशनल और लोकल डेवलपमेंट के साथ इसको इंटीग्रेट किया गया है, और इसमें कुछ जो स्ट्रैटेजीज़ है और जो प्रोसेस है उसको हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, और कुछ स्ट्रैटेजीज़ को हम लोग यहाँ पे पॉवर्टी जो रिडक्शन स्ट्रैटेजी है उसको यहाँ पर रिड्यूस करना है, और प्लानिंग प्रोसेस यहाँ पर लेकर चलना है। साथ ही कुछ इंसेंटिव्स भी यहाँ पे रखा गया है, जैसे कि सब्सिडीज देना है, जो भी हमारे बायोडायवर्सिटी के लिए हार्मफुल है उसको एलिमिनेट करना है। साथ ही यहाँ पे गवर्नमेंट भी है, बिजनेस भी है, स्टेक होल्डर्स हैं जो कि सारे लेवल के हैं, वो यहाँ पे कुछ स्टेप्स लेंगे जिसके थ्रू हम लोग यहाँ पे जो भी प्लान है उसको सस्टेनेबल प्रोडक्शन के लिए बेटर तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। तो ये हमारे स्ट्रैटेजिक गोल ए है। अब स्ट्रैटेजिक गोल बी की बात करें तो यहाँ पे जो भी डायरेक्ट प्रेशर है हमारे बायोडायवर्सिटी में उसको कम करना है, और सस्टेनेबल यूज़ को यहाँ पर प्रमोट करनी है। तो 2020 तक यहाँ पे रखा गया है कि जो लॉस हो रहा है, जितना रेट हमारी यहाँ पे नेचुरल हैबिटाट की लॉस हो रही है, जैसे फॉरेस्ट है, तो ये सारी जो लॉस हो रही है ना उसको हम लोग को और ज़्यादा कम करना है। सारे फिश और जो इनवर्टिब्रेट स्टॉक है और एक्वेटिक प्लांट है उसको भी अच्छे तरीके से मैनेज करना है और सस्टेनेबली इसको हार्वेस्ट करना है। साथ ही 2020 तक देखें तो एग्रीकल्चर में और एक्वा कल्चर में, फॉरेस्ट्री में, इसको भी अच्छे तरीके से मेंटेन करना है। पॉल्यूशन हो, जैसे कि एक्सेस यहाँ पे न्यूट्रिएंट हो गई, इसके भी लेवल को कम करना है। साथ ही यहाँ पे जो इन्वेसिव एलियन स्पीसीज़ है, यानी कि दूसरी यहाँ पे जो एलियन स्पीसीज़ आ जाती है दूसरे कंट्री में, उसको भी आइडेंटिफाई करनी है और प्रायोरिटाइज देनी है, और उस स्पीसीज़ को भी यहाँ पे जो है किसी भी कंट्री में अच्छे तरीके से उसको यहाँ पे प्रोटेक्ट करके रखना है। तो ये हमारी स्ट्रैटेजिक गोल बी हो गई। अब यहाँ पे स्ट्रैटेजिक गोल सी की बात करें तो हमारी जो बायोडायवर्सिटी की स्टेटस है उसको इम्प्रूव करना है, और इकोसिस्टम स्पीसीज और जेनेटिक डाइवर्सिटी को और ज़्यादा यहाँ पे सेफगार्ड प्रोवाइड करना है। 2020 तक यहाँ पे बताया जा रहा है कि 17% जो हमारी टेरिस्ट्रियल और जो इनलैंड वाटर है, और साथ ही 10% जो हमारी कोस्टल और मैराइन एरिया है, स्पेशली वो सारी पर्टिकुलर एरिया जो कि हमारी बायोडायवर्सिटी के लिए और इकोसिस्टम सर्विस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको कंजर्व करना है एक अच्छे तरीके से, इक्विटेबल और इफेक्टिव तरीके से इसको यहाँ पे हम लोग को मैनेज करके चलना है। 2020 तक देखें तो जो भी यहाँ पे थ्रेटेंड स्पीसीज है जिनके नंबर ऑफ पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, तो उसको यहाँ पे मेंटेन करना है। जेनेटिक डाइवर्सिटी जो भी हमारे कल्टिवेटेड प्लांट में है, फार्म में है, और डोमेस्टिकेटेड एनिमल में है, उसको भी यहाँ पे मेंटेन करना है। ओके, अब यहाँ पे बात आती है स्ट्रैटेजिक गोल डी की। तो यहाँ पे जो बेनिफिट है, यानी कि हम लोग जो यहाँ पे बायोडायवर्सिटी और इकोसिस्टम सर्विस से जो बेनिफिट लेते हैं उसको इन्हांस करना है। तो 2020 तक ये बताया जा रहा है कि जो इकोसिस्टम है जिसमें इसेंशियल सर्विसेज हैं, जैसे सर्विस क्या है, तो वाटर है, वाटर हमें मिलती है, हमारे हेल्थ को कंट्रीब्यूट करती है, लाइवलीहुड को कंट्रीब्यूट करती है, वेलबींग होती है, तो इन सारी चीज़ों को स्टोर करना है, रीस्टोर करना है और सेफगार्ड प्रोवाइड करनी है। साथ ही हमारे वीमेन की जो भी नीड है उसको भी यहाँ पे देखना है, हमारे लोकल कम्युनिटीज़ की भी नीड को देखना है, पुअर पर्सन के और वल्नरेबल सेक्शंस को भी यहाँ पे अच्छी तरीके से ध्यान देकर चलना है। उसके बाद जो हमारे इकोसिस्टम रिजाइलेंस है और कंट्रीब्यूशन है हमारे बायोडायवर्सिटी में, कि किस तरीके से हम लोग को कार्बन स्टॉक बढ़ाना है, तो इस पर भी ध्यान देना है। उसके बाद हम लोग स्ट्रैटेजिक गोल ई देखें तो यहाँ पे जो भी इम्प्लीमेंटेशन है, यानी कि जो भी प्लानिंग है, नॉलेज मैनेजमेंट है, कैपेसिटी बिल्डिंग है, उसको अच्छी तरीके से इम्प्लीमेंट करना है। यहाँ पे आप लोग देखोगे 2050 तक हर एक पार्टी को यहाँ पे डेवलप्ड होनी थी, यानी कि पुरानी बात हो गई। 2020 तक देखिए क्या टारगेट है, तो ट्रेडिशनल नॉलेज, इनोवेशन और जो हमारे इंडिजिनस और जो लोकल कम्युनिटी, यानी कि हमारे कंट्री के जो कम्युनिटी है, उनके प्रैक्टिसेस को यहाँ पे लेकर आना है, जिसके थ्रू क्या होगा कि हम लोग बायोडाइवर्सिटी को एक सस्टेनेबल तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे और कंजर्व कर पाएंगे। तो 2020 तक और क्या करना है कि साइंस बेस्ड और टेक्नोलॉजी रिलेटिंग होना है चाहिए हमारे बायोडायवर्सिटी में, यानी कि इनकी वैल्यू हो, फंक्शनिंग हो, स्टेटस हो, ट्रेंड हो, इन सब चीज़ों को हम लोग टेक्नोलॉजी के साथ इन्हांस कर सकें। मोबिलाइजेशन होनी चाहिए हमारी फिनेंशियल रिसोर्सेज, जो कि इफेक्टिवली यहाँ पे इंप्लीमेंट करें स्ट्रैटेजिक हमारे जो प्लान है उसको अच्छे तरीके से हम लोग मोबिलाइज कर सकें। तो ये सारी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि गोल है जो कि हमारे
इकाई से रिलेटेड है. ओके, तो टोटल यहाँ पे 5 गोल है. तो स्ट्रैटेजिक ए, स्ट्रैटेजिक बी, सी, डी, ई. ओके, तो इकाई यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी टारगेट है, इसको आप लोग को ध्यान रखना है क्योंकि कभी कभी ये न्यूज़ में रहती है, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बनने के चांसेज हैं. तो एक बार समराइज़ कर लेते हैं कि गोल ए, बी, सी, डी में क्या है. तो ए में है सबसे पहले कि जो भी कारण है बायोडाइवर्सिटी लॉस का, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना है और उससे प्रोटेक्ट करना है. सेकेंड है कि जो भी प्रेशर हमारे बायोडाइवर्सिटी के ऊपर है उसको कम करना है और सस्टेनेबल तरीके से हम लोग को बायोडाइवर्सिटी को इस्तेमाल करना है. थर्ड है कि जो हमारी स्टेटस है बायोडाइवर्सिटी की उसको इम्प्रूव करना है, और साथ ही साथ हमारे जो इकोसिस्टम स्पेसिस और जो जेनेटिक डाइवर्सिटी है उनको यहाँ पर सेफगार्ड प्रोवाइड करना है. डी है यहाँ पे है कि जो भी बेनिफिट हो रहा है हम लोग को सारे बायोडाइवर्सिटी से और इकोसिस्टम सर्विस से, उसको और ज़्यादा इन्हांस करना है. और ई है कि हम लोग को इम्प्लीमेंट करना है. सो जो सारी चीज़ें हम लोग यहाँ पे रखे कि हम लोग को बायोडाइवर्सिटी इकोसिस्टम को यहाँ पे कंजर्व करना है, तो उन सारी चीज़ों को, सारे प्लानों को हम लोग अच्छे तरीके से इम्प्लीमेंट करना है. तो ये 5 गोल है जिसको आप लोग को याद रखना है. ओके, सो गाइस आज के लिए बस इतनी ही रखते हैं. कल हम लोग स्टार्ट करेंगे रामसर कन्वेंशन ऑन वेटलैंड. सारे कन्वेंशन को अगर मैं एक ही साथ पढ़ा दूँ तो आप फिर कन्फ्यूज़ हो जाओगे. सारे प्रोटोकॉल, सारे कन्वेंशन की यहाँ पे ऑब्जेक्टिव अलग है, तो सबको आप लोग प्लीज़ ध्यान में रखिएगा और टाइम टू टाइम रिवाइज़ करते रहिएगा, जिससे कि आप लोगों को किसी भी तरीके यहाँ पर परेशानी नहीं होगी. ओके, सो गाइज आज के लिए बस इतना ही. अगर आपको ये लेसन अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए. फिर भी कोई डाउट क्वेरी सजेशन है तो आप कमेंट कर सकते हैं, एंड मेक श्योर कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया. थैंक यू.